और गाजीपुर जनपद से जहां सैदपुर अंतर्गत विक्रमपुर ग्राम सभा में कोटेदार पर लगे आरोप की जांच की गई। जांच प्रक्रिया में कोटेदार अखिलेश कुमार के ऊपर झूठा आरोप लगाया गया था कि राशन वितरण के समय अखिलेश कम राशन देते हैं, मगर उच्च अधिकारियों के द्वारा जांच प्रक्रिया में ऐसा कुछ भी नहीं मिला। अखिलेश कोटेदार के समर्थन में लगभग 200 से ऊपर ग्रामीण इकट्ठा हुए थे और सभी ग्रामीणों का कहना था कि कोटेदार के ऊपर झूठा आरोप लगाया गया है और ग्रामीणों का कहना है कि हम लोगों को राशन सही मात्रा में मिलता है। वहीं अखिलेश कोटेदार के खिलाफ विक्रमपुर ग्राम सभा की नीलम सिंह के द्वारा कंप्लेन दिया गया था। अखिलेश कोटेदार का कहना है कि नीलम सिंह चुनाव में गुड़िया सिंह से पराजित हुई थी, इसके लिए वह हमें परेशान कर रहे हैं। वहीं नीलम सिंह ने गांव के ही पिंटू सिंह को जांच प्रक्रिया के दौरान धक्के मार के बाहर कर दी, इससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश था, लेकिन सुरक्षा बल के होने से ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई और ग्रामीणों का उच्च अधिकारियों ने समझाया था। तब जाके विक्रमपुर के ग्रामीण शांत हुए और जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। जांच के दौरान नीलम सिंह के समर्थन में महज 4 लोग एकत्रित थे और इन 4 लोगों का कहना था कि हमको राशन कम मिलता है। रेशमा पाल, मुंशी छोटेलाल गोस्वामी और काटू यादव, वहीं कोटेदार के समर्थन में पूरा गांव था। गाजीपुर जनपद से अजीत मदनवाल की रिपोर्ट। Thank you.
आपका? दुर्गा देवी है। कहाँ पोस्टिंग है आपकी? है नगर पंचायत कार्यालय में। आपकी ड्यूटी लगाई है किस लिए? कोविड वैक्सीनेशन। कितना डोज आया है आज? आज 50 वायल आया है, 500 लोगों के लिए। 50 वायल आया है, कौन सा? कोविशील्ड है कि नहीं? कोविशील्ड है। कोविशील्ड है। देखिए, इन्होंने बताया कि कोविशील्ड 50 वैक्सीन आया है यहाँ पे और 5 लोगों को लगाया जाएगा। आप देख सकते हैं नगर पंचायत सादात के कार्यालय में यहाँ पे तमाम स्टाफ लगाए गए हैं, पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, महिला पुलिसकर्मी लगाई गई हैं सुरक्षा के दृष्टि से। और यहाँ नगर पंचायत कार्यालय में तमाम लोग आए हुए हैं, नगर पंचायत के लोग हैं और आसपास दूर दराज क्षेत्रों के लोग हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आप महिला पुलिसकर्मी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए जेंट्स पुलिसकर्मी को जो है कि कांस्टेबल अपनी लाइन को सही करवा रहे हैं, व्यवस्था देख रहे हैं, यानी कि कोई व्यवस्थाएँ डिस्टर्ब न होने पाए। हमारे नगर पंचायत सादात के नगर पंचायत अध्यक्ष रमला यादव और हमारे थाना के थाना अध्यक्ष रामाश्रय राय जी के द्वारा यहाँ पर सारी व्यवस्थाएँ बहुत ही सुचारू ढंग से चलाई जा रही हैं और सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन का विशेष सहयोग है। नगर पंचायत में हमारे नगर पंचायत कर्मचारियों का विशेष सहयोग है। इसमें अध्यापक, एनम, आंगनबाड़ी, जो भी जिनकी ड्यूटियाँ लगाई जा रही हैं, तमाम हमारे कर्मचारी दिन रात 24 घंटे लग करके वैक्सीनेशन के कार्य में हाथ बढ़ा करके प्रयासरत है कि कोविड जैसी बीमारी को हमेशा हमेशा के लिए भगा दिया जाए। जिस तरह से पोलियो को यहाँ से भगा दिया गया, उस तरह इस महामारी से बचाने के लिए कोविशील्ड, कोविड-19 यानी वैक्सीन लगाए जा रहे हैं। सब निःशुल्क व्यवस्थाएँ, फ्री व्यवस्था है, कहीं किसी को एक रुपया लेना देना नहीं, सरकार की सारी व्यवस्थाएँ हैं।